हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अभी आप जो पौधा देख रहे हो इस वीडियो में, इस पौधे की मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही खास है। देश विदेश में इस पौधे के सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि इसको सभी लोग अपनाते हैं और इसका उपयोग लेकर के बहुत से बीमारियों को आसानी से ठीक करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं इसके बारे में, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या समस्या को कैसे इसको प्रयोग करके मिटाया जाता है। तो बने रहें वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस पत्ते को कभी भी देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो झट से पहचान लेना, क्योंकि आप इसे देखे होंगे, पहचाने होंगे कई बार, मगर आप इसके गुण धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके सभी गुण धर्म बताने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ताकि आपको इसकी दोबारा और वीडियो देखने की कभी ज़रूरत ना पड़े, दिल दिमाग में पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस तरह से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए, इस पौधे को पहचान लीजिए। यह नमी क्षेत्रों में, कोलाबाड़ी में, जहाँ खेत खलिहान होता है, जहाँ नमी क्षेत्र होता है, जहाँ पानी का जो स्थिर जमाव होता है, या फिर कहीं भी मैदान में भी नमी क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में पाया जाता है। देश विदेश में तो इससे और बहुत ज़्यादा फायदे लेते हैं, और वे लोग इससे बहुत सारे मेडिसिन बना करके बहुत से समस्याओं से दूर रहते हैं, मुक्ति पाते हैं और इसका रोज़ाना सेवन करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है और हमारे देश में बहुत कम मात्रा में होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, विदेशों में इसके पत्तों से आमलेट बनाया जाता है और उस आमलेट से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको आमलेट में किस तरह से मिलाया जाता है, इसके पौधे से किस तरह से आमलेट बनाया जाता है और उससे क्या फ़ायदा होता है। तो आप अंत तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कभी भी आपको यह पौधा दिखे तो आप इसके पत्ते को चबा करके देखना। आपको चबाने से कड़वा, कसैला और तीखा लगेगा, यानी जब तीनों चीज़ों को मिला करके जो स्वाद बनेगा, वही आपको इसके पत्ते को चबाने से महसूस होगा। तो दोस्तों, यह पौधा अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह पौधा ही नहीं, अपितु हर एक पौधा अलग अलग क्षेत्र में अपने हिसाब से अलग अलग नाम होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस पौधे के बहुत से नाम थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। तो इसको अंग्रेजी में अंग्रेज लोग अल्टरनेथेरा सेसिलिस कहते हैं, और फ्रांसीसी में इसको ब्रेड चेरेट मैगलायर कहते हैं, और पुर्तगाल में पैर पेटवा कहते हैं, और मलयालम में दोस्तों करी माह बुकित केरेमक और कंचारी कहा जाता है, और तमिलनाडु में दोस्तों पुन्नन गन्नी केराई कहा जाता है, और गुजराती में दोस्तों जलजम्बो कहा जाता है, और बंगाली में दोस्तों सलीचा सा हाइचा कहा जाता है, और कन्नड़ में दोस्तों मीन मगानी कहा जाता है, और हिंदी में दोस्तों, ध्यान से सुनिए हिंदी में, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर हिंदी जानते हैं और हिंदी समझते हैं, इसलिए हिंदी को अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना और इसके नाम को याद रखना। तो हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसको मीनाक्षी, बहाली, गरुंडी और गंडगमाल और बुका और शुक्राणु, कुमु, कुन्नंदका, मत्स्य और मत्स्य गंधा और मत्स्यदिनी। तो इसमें से सबसे फेमस नाम है दोस्तों मत्स्य गंधा। तो आप भी इस पौधे को मत्स्य गंधा के नाम से जान सकते हो। बाकी सभी नाम डिफ़िकल्ट है, लेने में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो जानने में तो और परेशानी हो जाएगी, इसलिए आपको मत्स्य गंधा सर्वश्रेष्ठ नाम है, आप मत्स्य गंधा के नाम से जान सकते हो अगर भारत के रहने वाले हो तो। इसमें पाया जाने वाला दोस्तों अपजय रासायनिक जो विटामिन तत्व होते हैं इसके पत्ते में, उसको मैं चलिए बता देता हूं आपको, ताकि आप इसके गुणवत्ता को और अच्छे से समझें और इसको पहचानें और इसको उपयोग करें। तो इसके पत्तों में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन सी और फिटोस्टेरोल और पॉलीफेनॉल पाया जाता है, जो दोस्तों हमारे शरीर के संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए और सूजन मिटाने के लिए और हमारे शरीर के त्वचा को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे शरीर के लिए दोस्तों एक पोषक का काम करता है, जो हमारी त्वचा को भी पुनर्जीवित करने का काम करता है और हमारे शरीर को साफ करता है, खून को भी साफ करता है। दोस्तों, इसके 100 ग्राम पत्ते में पाए जाने वाले तत्व तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 80 ग्राम इसमें पानी पाया जाता है, 100 ग्राम पत्ते की बात कर रहा हूँ, 100 ग्राम पत्ते में 80 ग्राम पानी पाया जाता है, और 11.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 4.7 g प्रोटीन पाया जाता है,
1-2 ग्राम फाइबर पाया जाता है, 0.8 ग्राम वसा पाया जाता है, 146 mg कैल्शियम पाया जाता है, 45 ग्राम फास्फोरस पाया जाता है, 16.7 ग्राम लोहा पाया जाता है। पौधे में दोस्तों 19-26 mcg पाया जाता है और 100 ग्राम क्लोरोफिल या पौधा और 100 ग्राम दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पौधा विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें राइबोफ्लोविन, नियासिन, मैग्नीशियम 87 mg होता है दोस्तों, कॉपर 14.8 mg होता है, जिंक 45 mg होता है और भी इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे मौजूद हैं दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खास हैं। अगर मैं इन सब का विस्तार से बताता चलूं तो आप वीडियो को देख नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। तो चलिए मैं आप आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोगों को इस पौधे के क्या क्या प्रयोग हैं और किस किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है उन सभी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले समस्याओं को गिना रहा हूँ कि इस समस्या में इसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इसका प्रयोग यकृत, पीलिया के रोगों में, हेपेटाइटिस में, फेफड़ों के रोग को दूर करने के लिए, अस्थमा ब्रोंकाइटिस में, टीबी, तपेदिक और रक्त गुल्म में, गुर्दे और मूत्र मार्ग के सभी समस्याओं को दूर करने में, आँखों के रोग, आँखों के जैसे धुंधलापन दिखाई देना, आँखों में सूजन, दर्द और रतौंधी जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। और इस पौधे का प्रयोग संक्रामक रोग, गले के खराश, मलेरिया बुखार और तीव्र ज्वर, बहुत ज़्यादा जैसे बुखार रहता है 100 के ऊपर तो उसको भी आसानी से उतारने में, इन सभी रोगों को दूर करने में किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों लिकोरिया में भी, सिर दर्द में भी, दांत दर्द में और नसों का दर्द में भी कर सकते हो। इन सभी में आसानी से फायदे करता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों थकान, आलस, नींद आने की समस्या को भी दूर करने के लिए कर सकते हो। यदि आपको सांप और बिच्छू काटे तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हो। माताओं बहनों की जो दूध नहीं आता है उसकी समस्या को भी दूर कर सकते हो और दूध को बढ़ा सकते हो। और दोस्तों इसको कई देशों में पुरुष यौन शक्ति को सुधारने में भी प्रयोग किया जाता है। बेरी बेरी और बुखार के लिए इसका एक लोशन आता है, लोशन बनाया जाता है जो तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध है, पोन्नन गन्नी थीलम तेल के नाम से आता है। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, पोन्नन गन्नी थीलम तेल, तो इस तरह से तमिलनाडु में इस नाम से प्रसिद्ध है। यह गर्मी के मौसम में गर्मी दूर करने के लिए और सर दर्द के लिए इस काढ़े का प्रयोग किया जाता है, इसका जो काढ़ा बनाया जाता है उसका। तो दोस्तों अब आपने जान लिया कि किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इन सब व्याधियों में आप किस तरह से इसका कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हो। तो सभी समस्याओं को मिला करके मैं 10 भागों में बांट दिया हूँ, तो मैं आप लोगों को बारी बारी से चलिए बताता हूँ। वीडियो बहुत ही खास है, इम्पॉर्टेंट है, पूरा देखिए ध्यानपूर्वक, आपको बहुत काम आने वाला है। तो अब देख लीजिए आप इस पौधे को किस प्रकार से किस किस रोग में उपयोग कर सकते हो। समस्या एक, पहला यकृत, पीलिया, हेपेटाइटिस, अस्थमा, टीबी, रक्त गुल्म, फेफड़े के रोग में आप इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इन सब के लिए आपको सबसे पहले इसका पूरे पंचांग का काढ़ा बना करके सुबह शाम मरीज को खाली पेट पिलाना है 100 ml की मात्रा में। उसके बाद इसके पत्तों का रस दोपहर खाना खाने के बाद 100 ml पिलाना है और उसके बाद हो सके तो एक आध दिन गैप करके इसकी सब्जी भी खाते रहना है। तो इस तरह से प्रयोग करने पर आपकी जो जितनी समस्या रहेगी, यकृत, पीलिया, हेपेटाइटिस, अस्थमा, टीबी, फेफड़े, ब्रोंकाइटिस, इन सब की वह ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरे समस्या की बात करते हैं, गुर्दा और मूत्र रोग की समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हो। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप इसके पत्तों का रस निकाल करके 100 ml की मात्रा में 2 चम्मच मिश्री मिला करके सुबह शाम खाली पेट पीने के बाद 1 घंटा तक कुछ ना खाएं तो आपके गुर्दे की और मूत्र की विकार नष्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों तीसरे समस्या को देख लीजिए, आँखों के रोगों को दूर करने के लिए जैसे धुंधला दिखाई देना, आँखों के आगे जला दिखाई देना, आँखों में जलन और रतौंधी रोग को दूर करने के लिए इसका प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इस मत्स्यगंधा के पौधे की पत्तियों को अच्छे से पका करके सब्जी बना करके लगातार आपको 30 दिनों तक यानी कि 1 माह तक संतुलित आहार के साथ, सुपाच्य भोजन के साथ, परहेज करते हुए खट्टी और तली भुनी चीज़ों का, आपको इसको लगातार 30 दिनों तक सेवन करना है, इसकी सब्जी बना करके संतुलित आहार के साथ, परहेज के साथ, और इसका रिजल्ट आपको 1 माह के बाद चमत्कार की तरह दिखने लगेगा। अब दोस्तों समस्या 4 की ओर बढ़ते हैं, तो इसके देख लीजिए
अगर आपको संक्रामक रोग को दूर करने के लिए जैसे बुखार, मलेरिया, सर्दी जुकाम, गले में खराश, तीव्र बुखार, इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के प्रभाव को हटाने के लिए इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से वायरस संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना लीजिए, पत्ती, तना, फूल, जड़ सबको। काढ़ा बनाने के बाद 100 ml की मात्रा में काढ़ा को दिन में 2 बार सुबह शाम बिना कुछ खाए पिए खाली पेट लगातार सिर्फ 3 दिन तक इसको देना है। उसके बाद आप सारे बुखार, सर्दी, खांसी, वायरस खत्म हो जाएंगे आपके शरीर से और आप सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, चलिए अब समस्या 5 की ओर चलते हैं। दोस्तों, लिकोरिया, सिर दर्द, दांत दर्द, नसों का दर्द, इन सब की समस्या को दूर करने के लिए आप इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से यदि आपको समस्या है तो आप इस मत्स्यगंधा के पौधे को, यदि सिर दर्द है तो इसके पत्ते को पीस करके माथे पर लगाने से और नाक में इसके कुछ बूंद टपका देने से सर दर्द खत्म हो जाएगा, दांत दर्द खत्म हो जाएगा। यदि लिकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो उसके लिए आपको इसका काढ़ा सुबह शाम सेवन करना पड़ेगा संतुलित आहार के साथ, और तली भुनी खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं खाना है, आपको नहीं करना है। और समस्या 6 की ओर आप चलते हैं, थकान, आलस, नींद आने की समस्या। तो दोस्तों, इसके लिए आपको नींद आने की समस्या है तो थकावट आपको ज़्यादा लगती है, आलसीपन बना रहता है शरीर में, तो आप इन पत्तों का रस प्रतिदिन सेवन कीजिए। खाना खाने के बाद 2-3 सप्ताह तक आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। समस्या 7 की ओर चलते हैं। दोस्तों, सांप और बिच्छू काटने पर इसका प्रयोग। दोस्तों, यदि किसी को भी कभी भी सांप बिच्छू काट ले तो उस स्थान पर मत्स्यगंधा के पत्तों को तुरंत वहां पे पीस करके लेप कर दीजिए। उससे उसका जहर जो है बहुत ही कम हो जाता है और धीरे धीरे चढ़ने लगता है, और बहुत ही पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं लेकिन बहुत कंट्रोल में रहता है। अगर सांप का जहर है तो 3-4 घंटा आपको आसानी से ज़िंदा रख सकता है। तब तक आप बड़ी आसानी से चिकित्सक के पास जा सकते हो या फिर अन्य कारगर औषधि को लगा करके मुक्ति पा सकते हो। यदि बिच्छू का जहर है तो वह तुरंत ख़त्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर में। तो इस तरह से आप सांप बिच्छू के जो काटे के जगह रहता है वहां पे तुरंत इसका लेप करके आप बच सकते हो। तो दोस्तों, समस्या 8 की ओर चलते हैं। माताओं बहनों की दूध बढ़ाने की जो समस्या रहती है और पुरुषों की यौन समस्या को सुधारने की जो समस्या रहती है, इसमें प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी माता बहनों की, यदि दूध बढ़ाना है या पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाना है, तो दोनों में एक प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इस पौधे की पूरे पंचांग को पाउडर बना लीजिए सुखा करके छाया में, और उस पाउडर को प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सेवन कीजिए। का प्रयोग इस तरह से आप लगातार करोगे 1 माह तक, तो आपकी पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे से इसका फ़ायदा ले पाओगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को समस्या 9 की फ़ायदे बता रहा हूँ। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने और शरीर को ठंडा रखने, सिर दर्द दूर करने और घमोरियों से बचने के उपाय, तो आप इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना करके इसके काढ़े को नहाने के पानी में टब में डाल लीजिए और 1 लीटर के करीब डाल लीजिए इसका काढ़ा। तो उसके बाद आप प्रतिदिन नहाया कीजिए इस तरह से इसके काढ़े में, इस मत्स्यगंधा का जो बनाया हुआ काढ़ा को मिला करके, पानी मिला करके जब उस पानी में नहाओगे तो इससे आपकी त्वचा हमेशा सुरक्षित रहेगी, गर्मी के प्रभाव से बचा रहेगा, आपको घमोरिया नहीं होगी। सर्दी के मौसम में भी ठंड जो लगता है ना, उसी तरह से आपको गर्मी के मौसम में भी शरीर ठंडा ठंडा लगेगा और कूल कूल रहोगे और बहुत अच्छे से खुश रहोगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके 10वां और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ, जो मैं शुरू में बताया था आपको कि आमलेट इसे किस तरह से बनाया जाते हैं और इसके आमलेट में इसके पत्तों को किस तरह से मिलाया जाते हैं और आपको इससे क्या फ़ायदा है, तो चलिए आप इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस पौधे के पत्ते को साग सब्जी बना करके तो खाया ही जाता है रतौंधी रोग को मिटाने के लिए। अगर आप इसके पत्ते को सलाद के रूप में भी खाते हो तो भी फायदेमंद है। अगर शुरू शुरू में इसके स्वाद ना लगे तो इसमें कुछ और मिला करके इसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इसके फायदे के लिए इसको खाया कीजिए, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद में कुछ कमी रहता है इसका। तो इसके अलावा यदि आप आमलेट में इसके छोटे छोटे पत्ते को काट करके आमलेट बनाते हो मिक्स करके अंडा में, आपका जो अंडा का आमलेट बनेगा वह बहुत ही सुपाच्य और जल्दी पचने वाला बनेगा। इसको खाने से आपको कभी गैस नहीं बनेगी, पेट में अपच नहीं होगी और पेट की समस्या पैदा ही नहीं होगी। आप कितना भी अंडा खा सकते हो इसको आमलेट में डाल करके इसके पत्ते को। तो इसका प्रयोग करके दोस्तों आप कभी भी गैस्ट्रिक के शिकार नहीं होगे, आप बहुत अच्छे से अंडा पचा सकते हो और खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप
आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत से बनाया हूँ, और शेयर हो सके तो ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।